हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कनिका और आपको टाइटल से ऑलरेडी पता चल गया है कि आई एम गोइंग टू फॉलो फैट टू फैब्स विंटर डाइट प्लान। पूरे साल मैंने इतनी मेहनत करी है एंड बहुत अच्छे से वेट लॉस करा मैंने, बट जब से दिसंबर आया ना तब से मेरा वेट लॉस वेट गेन का ना ऐसे ऐसे चल रहा है। इट इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर। मैं अच्छे से फॉलो करती हूँ 10 डेज एंड देन अभी इट्स बीन ऑलमोस्ट यार 14 या 15 दिसंबर से ना वो एक मोटिवेशन, वो एक जो अंदर से था ना वेट लॉस वाला, वो फॉलो नहीं हो पा रहा था। तो आई थॉट कि मैं एक प्रॉपर एक डाइट प्लान ही फॉलो करूं और मैंने इसलिए पूरा एक लिस्ट सा बना लिया। मैंने सुमन मैम के एक्चुअली 2-3 साल में उन्होंने जितने भी विंटर प्लान लाइक विंटर डाइट प्लान दिए है ना, मैंने वो सबका ना एक नोट बना लिया, जिससे मुझे डेली यार देखना ना पड़े कि अभी ब्रेकफास्ट में क्या खाऊँ या लंच में क्या खाऊँ। हाँ मतलब बना के रख लिया है और मैं सिर्फ वीडियोज अब इसलिए अपलोड करूँगी इसके, बिकॉज जब मैं यहाँ अपलोड करती हूँ ना यूट्यूब पे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। जैसे जब मैंने अपना स्किपिंग का वीडियो अपलोड करा था, उसके बाद सिंस आई गॉट सो मच लव फ्रॉम यू गाइस, तो दैट मोटिवेटेड मी और उसकी वजह से मेरा मेजर वेट लॉस हुआ। अब आज मैंने अपना जब वेट चेक करा तो इट वॉज कमिंग 59.9। अभी मेरा नॉर्मली वैसे 1 kg, 1.5 kg बढ़ गया था, बट इट इज़ लाइक दैट टाइम ऑफ द मंथ, तो मेरा इस टाइम पर भी थोड़ा अलग, व्हेन आई एम मेंस्ट्रुएटिंग तो थोड़ा मेरा इस टाइम पर भी वेट गेन दिखता है, बट देन इस टाइम पे मेरा करंट वेट जो है 59.8 या 59.9 जो मैंने आज सुबह अभी देखा है। मैंने ऑलरेडी ये चैलेंज स्टार्ट कर दिया है, मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले लिया है, अभी 9 बज रहे हैं, बस अब मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने जाऊँगी। पहले मैंने सोचा था रुजुता दिवेकर का डाइट प्लान फॉलो करूँ, बट देन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसके लिए सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा तो वो नहीं हो सकता था। बल्कि आज मैंने, मेरे को ध्यान भी नहीं, इतने महीनों बाद मैं इतने सुबह नहीं हूँ, अदरवाइज आई यूजुअली टेक बाथ अराउंड 12-1, लेकिन आज से, तभी आपको मेरी आंखें थोड़ी सी सोई सी लग रही होंगी, बट 2-3 दिन में और प्रोग्रेस हो जाएगी तो और बेटर स्लीपिंग पैटर्न भी हो जाएगा मेरा। तो या अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर देना, क्योंकि मेरा गोल जो है इज़ टू रीच 54 kgs एंड आई थिंक कि मैं इसको डाइट प्लान को प्रॉपरली फॉलो करूँगी तो बाय द एंड ऑफ जैन प्रॉपरली फॉलो हो जाएगा। आज 31 दिसंबर है तो मैंने आज से इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। आई डेंट वेट फॉर 1 जनवरी, क्योंकि मेरे को था कि मैं एक दिन पहले से ही स्टार्ट कर दूँ जस्ट टू बी लाइक मोटिवेटेड एंड एवरीथिंग। तो गाइस प्लीज़ मुझे मोटिवेट कर देना जिससे मैं अच्छे से वेट लॉस कर लूँ, और आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई द डाइट प्लान, क्योंकि मैं लाइक 3-4 महीने से ना इंटरमीटेंट फास्टिंग ही फॉलो कर रही थी, तो अब थोड़ा चेंज हो जाएगा इस चीज़ में। तो या चलो अब नाश्ता बनाने चलते हैं। तो मेरा पराठा रेडी है, मैंने इस पर बहुत कम घी लगाया है, जितना आपने देखा उतना ही लगाया है मैंने, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट में आप कोई भी रोटी पराठा खा रहे हैं तो 1 teaspoon घी होना ज़रूरी है, वो मेरा वैसे भी होता ही है, बट मैं नॉर्मली ब्रेकफास्ट करती नहीं हूँ, तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट ब्रेकफास्ट आफ्टर 3 months, तो इसलिए मैंने पनीर का पराठा बनाया। और मेरा ब्लैक कॉफ़ी के बिना यार काम नहीं चलता है, एक्चुअली मैं सुबह उठते के साथ ही ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, अदरवाइज मुझे हेडेक हो जाता है, बट सिंस आज मैंने वो लेमन सिनेमन वाटर पिया था तो अब मैं इसके साथ ये ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। और मैं आपके साथ ना बुक भी शेयर करूँगी जो मैं यूजुअली रीड कर रही होती हूँ, मैंने कल एक ख़त्म करी और ये स्टार्ट करी एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, तो इससे मेरी बुक का भी एक कंटिन्यूएशन बना रहेगा कि कितने कितने दिन में मैं बुक्स ख़त्म कर रही हूँ। एंड
कल मैंने स्टार्ट करा इस बुक को एंड इट्स रियली नाइस. तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है इस तरीके की बुक्स का तो यू कैन जस्ट गो फॉर इट. मैं ऑब्वियसली जैसे जैसे पढ़ती रहूँगी मैं बताती रहूँगी ये कैसी है क्या है. इसमें बेसिकली ये है कि बैड हैबिट्स ख़त्म करके गुड हैबिट्स किस तरीके से हमारे छोटी छोटी गुड हैबिट्स हम अपनी लाइफ में डालते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है. मैं थोड़ी कम बकवास करती हूँ और खाना खा लेती हूँ, मुझे भूख लगी है. ग्यारह बज गया, मैं फाइनली अमरूद खा रही हूँ. मैं एक्चुअली भूल गई थी मुझे खाना, आई वॉज जस्ट गोइंग समवेयर. अब इसको खा कर ही जाऊँगी. तो गाइस फाइनली लास्ट मील ऑफ द डे. एक्चुअली पीछे हो जाती हूँ मैं, कैमरे में पूरी नहीं आ रही हूँ. हाँ तो लास्ट मील ऑफ द डे एग वाइट अनियन एंड ग्रीन चटनी. मेरे को ऐसे इसलिए आ रही है क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मेरे को अपने दोस्तों से गालियाँ पड़ी हैं क्योंकि मैं 31 दिसंबर को मैंने डाइट स्टार्ट करा है एंड एवरी वन इज़ लाइक वाई, बट देन मेरे को करना था तो इसलिए मैंने कर लिया. तो ओके ये लास्ट मील है और एक्चुअली ड्रिंक्स वो जो नाइट ड्रिंक है वो भी करना होता है, बट देन अगर मैं टाइम से वापस आ जाती हूँ तो मैं आपको दिखा दूँगी. अदरवाइज़ मैं अपना डिनर करके जा रही हूँ. तो या दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट मील. दिस हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं दिसंबर लास्ट डे ऑफ दिसंबर मैं कुछ ऐसे ऐसे हेल्दी खाना खा रही हूँ. बट फाइनली इट्स रियली नाइस यार, काफ़ी अच्छा है. ऑब्वियसली बाहर का खाना नहीं है बट अच्छा है. मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ एंड नाउ आई सी यू टुमारो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर. आई विश कि आपका 2021 अच्छा जाए क्योंकि 2020 ने तो लगा के लग चल दी थी यार. लाइक
मेरा तो बड़ा बेकार से ही गया है काइंड ऑफ. कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं एक्चुअली 2020 में, तो विच आई वॉज होपिंग फॉर फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम. तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं. तो या दैट्स इट, मुझे अभी जाके ये आगे रेडी भी होना है एंड देन जाना भी है. सो गाइज, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और अगर अच्छा लगेगा तो अभी मैं पूरे महीने वीडियो यही वाला डालने वाली हूँ, अपना डाइट प्लान वगैरह सब शेयर करने वाली हूँ. कुछ गाइड करना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना. कुछ इधर उधर मैंने कर दिया हो तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, बट रूडली मत बोलना प्लीज़. तो या ओके, बाय, गुड नाइट.